साहब अच्छा बेचा तो वाह। हम ये कह रहे हैं वही भाई, कुछ है तो हमें दे दीजिए। और ये ठंडी मुझे बताओ गन्ना चीज हुई, हमारी लड़की एकदम शैतान है, तो टी शर्ट पहन के घूमत है तो कोनो खाली बूसर पहन के घूमत है। अगला जो हमें छोटका है खाली टी शर्ट पहन के वैसे दिन घूमा करता है पहराई दो। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप लोग कैसे, उम्मीद कैसे कि आप सब ठीक हो। तो भैया आज सवेरे उठे हैं 5 बजे और ठंडी इतना तेज है भैया कि अब क्या बताइए। तो नहाई बाद में एकदम पूरा दही है एकदम हमारे बटूर के भैया। तो आज ये मौसम जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इतना बुरा ठंडी सुबह का टाइम है कि अब क्या बताइए। तो स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल आगे रूपी 27 में। तो चाहिए थे वीडियो के यहाँ शुरू करी थे, उससे पहले भैया अभी वीडियो एडिटिंग करे थे, वीडियो एडिटिंग करे के बाद में यहाँ तब फिर उसके बाद में यहाँ से हम लिख दी थे। और हाँ, वीडियो आज इतना जोरदार के शूट करे थे भाई कि पूरा दिन भर लाग सकत है। और का होत है का नहीं होत है वो सारा चीज़ हम अपने वीडियो में आप लोगों का दिखाई थे। तो चलो फिर वीडियो के हर से सुन के हम एक बात के हम नोटिस किया हन कि अगर नहा लियो सुबह के टाइम तो ठंडी उतना नया एहसास होता है जितना पे अगर नहाए पे यहाँ होता है। ऐसे ही बात हम कई बार ऐसे मतलब अनुमान लगाए हैं, सोचे हैं, दिमाग लगाए हैं, तो ये सही है एकदम से। और मौसम के अहमियत के मतलब हावी हो चुका है ठंडी वाला ही तो लागत है जैसे मतलब कश्मीर में यहाँ जहाँ पे यहाँ बर्फ गिरत है। अरे हम लद्दाख जब गए रहें तब इतना हमें मतलब एहसास नहीं हो रहा कसम से जितना ऐसे क्या यहाँ होता है। और मज़ा तो खाली मारे थे बम्बई वाले, ना तो वहाँ ठंडी जान मिलत है, ना तो वहाँ गर्मी इतने जान मिलत है, नॉर्मल मौसम है वहाँ पर। यहाँ बहुत से लोग तो ऐसा भी है कि जब ठंडियाँ शुरू हो तो भाग जाते बम्बई और पूरा ठंडी बम्बई में यहाँ रहते उसके बाद में तब भाग के आओ थे गाँव पे। तो भैया वहाँ से निकल गया है, अब चले थे सीधे घरे हम। बाकी जितना काम रहा का नहीं वीडियो के एडिटिंग फेडिटिंग सब वहीं बैठे बैठे हम कही जा रहे हैं, पूरा काम खत्म हो गया है। 8:30 बजे निकले वहाँ से। देख लिया भैया ठंडी के नज़ारा कितना बढ़िया है। बिल्कुल हमारे गाँव वाले ट्रैक्टर वाले कहाँ जाते हो, कहाँ जाते भैया देखो कहाँ जाता, लागत है काम लगाया है जेसीबी वाला क्या भैया। वही नाला हुए हमारे यहाँ के जेसीओ बहुत बार देखा है वीडियो में। यहाँ हमारे गाँव में तो कुहरवा से दिखाते नहीं है, देखो जेसीबी आगे जाती एक ठू साहब अच्छा बेचे तो हो ताजे ताजे वाह। ये जान तो गए बोले क्या हजरत। और सुनाइए आपकी तारीफ, सुबह सुबह फूल लगाए बैठो हमारे लगे जरूरत पड़ जाते। हाँ भैया सोडियम बताओ क्या बात है। हम ये कह रहे हैं वही भाई, हाँ कि आपके पास कुछ है तो हमें दे दीजिए। कौन चीज है सोडियम बाबू आए रहे हमारे पास जरूरत से, तो मैं कोनो सामान लावे रहा कहीं भैया का दवाई दियो कौन कहन भाई हमारे अंडर मनाए है हम नहीं कह पाई भाई। तो हम समझे कि भाई हमारे लगा आवत है नेपाल जाए करती, बताए रहे ना आप लोगों से कि जाए वाले हैं नेपाल टूर पर यहाँ 5-6 दिन करती, तो नहीं जाए पाए ठंडिया देख के खाली बस और कुछ नहीं मैं चीज ठंडी ठंडी नाते हम नहीं गए भाई। आवाज़ काल जौन है भैया कसम से जंगल जावा चाहिए थे कि जंगल में चली वीडियो शूट करी, लेकिन ये जो बघवा उद्यान है ये बघवा बघवा रोज अटैक करत है, रोज हमला करत है। हफ्ता में यहाँ एक आदबाजी तो हो जाते भाई, भाई यही से हिम्मतिया नहीं पड़त है कि मैंने जंगलों को लिया चला जाए और बढ़िया बराग बना के लाके दिखाई दिया आप लोगों को। अब चलित है यह ठंडी भैया घर से निकले मन नहीं करते लेकिन अब क्या करें जाए तो पड़बे करी भाई। जब तक हम बाहर निकलब नहीं टूर पर यहाँ करूँ तब तक काबले मजा नहीं आई। यह ठंडी भैया भैया क्यों घर से नहीं निकला चाहत है, सब अपने घर में अपने कमरा में यहाँ आगे किनारे बैठ गए और पूरा दिन ऐसे गुजार देते हैं। और हमारे यहाँ की बताओ 8 किलोमीटर आना अब 8 किलोमीटर जाना, कल ही कैंसिल हो गया है, कल ही मैच खेले के चक्कर में यहाँ कैंसिल कर दिन भाई लोग। आवाज़ जब गए तो आज भैया वहाँ बैठा बैठा अपन
तापियन सेकियन ओके बाद में आई भवा कि अब वीडियो आज ना हो पाई। तो एक जने सिसवा गहुआ में यहाँ मतलब एक जन के इंतकाल भी हो गया रहा तो कुछ हुआ हो रहा। और ओकरे बाद में एक जने भैया बलरामपुर से आए रहे मिलेंगे हैं ठंडिया में। बताओ इतना तेज़ ठंडी कि अगर इतना हिम्मत हुई भैया कि वह घर से ही चलाई है 40-45 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, बड़ा हिम्मत के बात है। तो वनहू सबसे मुलाकात भवा अपन जो कुछ वनहू सबके में मुलाकात की है न, सलाम दुआ भवा जो वह रहा मौजूद वो का उन्हें सबका अपन ये चाय पानी हर एक चीज़ जो हो रहा तो अपन कहन दी है ना। उसके बाद में यह अंत में यह भवा कि ऐसा है कि ठंडी बहुत ज़ोरदार है भैया। हाँ चलो घरे, हम अभी काफ़ी थे, सही बताई थे एकदम, हाँ अभी यह पहुँचे हम। तो फिर भैया जब वहाँ से सलाम दुआ कहके हम निकले नहीं तो हमारे दिमाग में आवा कि यार काले कुल लड़के हमारे मांगे थे गन्ना तो वही कांटा लाग है तो हम कहें चली कटवा पे अपन गन्ना ले लिया। जबकि वैसे पहले ही खेत में एक ठू गन्ना कटत रहा, अगर हम कह दीतना तो 4-6-8-10 लग गया ही हमें दे देते, लेकिन हम ना ही कहें, हम कहें चलो वहीं ले लिया भाई। अब भैया जब वहाँ पहुँचन तो वहाँ एक को गन्ने ट्रक कोई नहीं खड़ी ही, न वैसे गन्ना पड़ा है और न कोनो ट्रलिए खड़ी है कि हाँ मेरे लदी खड़ी हो तो लावे जात हुए या डल्लफ हो कुछ रहा नहीं किया एकदम जल्द पूरा सुनसान रहा। वहाँ से भैया फिर सीधे अपन ही भाग के आए घरे। और यह ठंडी में यह बताओ गन्ना क्यों चुही, और हमारे लड़के एकदम शैतान हैं बताओ ठंडियों में यहाँ कहाँ से गन्ना चुहबे। अरे ना तो बताई थे कि जूता पहरे ना सही से चप्पल पहरे, सब कुछ है जैकेटिया तक नहीं पहरे थे, कोनो टी शर्ट पहन के घूमत है तो कोनो खाली बूसर पहन के घूमत है। एक बार जो हमारे छोटका है ये, अरे वो तो का बोले खाली टी शर्ट पहन के वैसे दिन भर घूमा करता है और इतना बोली थे इतना डांटी थी लेकिन तब वो कुछ नहीं पहराई थी वो निकाल के भाई देते हैं। तो कहीं ना गन्ना ले आयो, अब गेन तो गन्ना पैबे नहीं किया ना अपन भाग्यन घरे सीधे हम, अब ये ठंडी में अगर गन्ना चूहे तो कौन हाल हुई। तो भैया जोन कुछ आज के मतलब अपडेट रहा जो हमारे साथ बीता यहाँ से वहाँ तक आयन गेन, वीडियो नहीं बन पावा कैंसिल हो गया आजू भाग के आयन घरे, और जोन कुछ सोचे रहन वह कुछ नहीं भवा। तो वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करी थे, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो और भैया अगर नवा आया हो तो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। फिर मिले थे कोनो दूसरे वीडियो में, हाँ तब तक के लिए बाय। और चाहिए थे हम हूँ अपन हाथ से कहें हैं बहुत बुरा ठंड लगा था, जान लो कि बहुत हिम्मत कह के ही जानो जावा जाता है। और फिर संझा के हैं वहाँ फिर सवेरे वहाँ यह कुल हमारा है का करी, अगर कर बनाई तो पाई बनाए तो खाब कहाँ से, यह सब राहत है बहुत मेहनत से तो जाने तब चली था। और क्या अब हाँ इमरान बाबू सुबह छता पर यहाँ अपने लाइव आए रहे फेसबुक पे जाओ पर यहाँ BSUP टीम वाले पे हम यह जुनिया देखे ना क्या हाई रे बाप रे यह ठंडिया में यहाँ लाइव रे हाँ चल ठीक है कोनो बात ना है कहियो हम अपने यूट्यूब पर यहाँ लाइव आए भाई हाँ। अब डिसाइड नहीं किए कि कहीं आई भाई लेकिन कहियो लाइव जरूर आई भाई, देखी थे कितना लोग भाई हमसे जुड़त हैं ऐसे हमारे दिली ख्वाहिश ही कि एक बाजी लाइव आई आप लोगों का दिखाई और सबसे मिली सबसे बातचीत करी। चलो फिर आए बाय। वैसे पहले एक राउंड हमारे गांव के नज़ारा देख लियो, कपड़ा लत्ता सब फैला हुआ है कोई झुरात उरात ना है, जो छोटवा लड़के रहा थे वही भैया पैसा वैसा लेके कुल भेज भाई रहा थे अपन एकदम वैसना हाँ हगीज बांध दियो कावले पैंपस बांध दियो कुल एकदम से भीज भाज के एकदम ख़त्म करे थे। यहाँ देखाओ ये हमारे ठू बधिया है तो बढ़िया भैया अकेले नाते चार बात सुनत रहन, अब तो घर ही रहते कहूँ जात वात नहीं है घास वास खाते इसे चाहे घसीओ नहीं मिलत है हैं। आज बूसर पहरे है बहू यहो, अरे वाह हमारे जैकेटिया पहराई दिए सबसे बढ़िया का करे है। अच्छा भाई सीरियसली हम दिल से पूछी थे आप लोग हमार बलगवा अगर देखत हुई हैं सही बताओ एकदम से अच्छा लागत है कि ना अच्छा लागत है। हम रोज़ वहीं जाए थे वहीं आई थे वही चीज़ अपन बताई थे वह अपन बीती बताई थे जो दिन भर हमारे साथ हो थे वही कुल अपन सुनाई थे हमारे कुल ये। और कुछ तो है नहीं हमारे पास कोनो कंटेंट कि कहूँ घूमे टहरे गया हन या कहूँ मतलब राइड पर गया हन। अब राइड वाइड तो भैया का बोले ना जा पाई थे क्या करी या तो यहाँ या तो वहाँ
दुई काम है मेरे पास, वहाँ से फुर्सत पाए तो वहाँ भागें और वहाँ से फुर्सत पाए तो घरे आए, यह रात है हमारा। यही नाते बहुत मुश्किल से हमें मौका मिला से कि कहूँ हम लंबा घूमे चला जाइए, तो चलो चलिए।